दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा, न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। नेपाल के ऊपर एक एपिसोड। अब बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के अंदर जो कई यूट्यूब चैनल्स पे भी आते हैं और कई बड़े बड़े अखबारों में टीवी पे पत्रकार भी हैं, उनके जो संवाद हैं हमारे मित्र नेपाल के बारे में वो अच्छे नहीं हैं। उन्होंने बहुत बार एक कई बातें ऐसी कही हैं कि जो उचित नहीं है, कि नेपाल की अर्थव्यवस्था कुछ भी नहीं, हमारे सामने बहुत छोटा है, उसकी हस्ती क्या है, उसकी अर्थव्यवस्था के अंदर जान ही कितनी है, और ना जाने क्या क्या बातें हैं। और फिर ये कहते हैं कि नेपाल अंदर से पूरा टूट चुका है, उसके अंदर अर्थव्यवस्था को खड़े होने की हिम्मत नहीं है, वो भारत का क्या मुकाबला करेगा। कि ये बातें एक बड़े देश के लिए अच्छी नहीं है। मैं खुद एक रिपोर्टर या एक कहा जाए कि पत्रकार होने के नाते मुझे ये कंपैरिजंस अच्छे नहीं लगते। ये तो फिर ऐसा हो गया कि हम ये कहें कि हम अपने आप को, हमारी इकोनॉमी को हम ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर कर लें या अमेरिका से कंपेयर कर लें, तो क्या उचित होगा क्या? तो अगर सपोज करो कि नेपाल की इकोनॉमी समझो $300 बिलियन की इकॉनमी है और हम समझो $3,000 बिलियन की इकॉनमी, जो है नहीं अभी तो ढाई पे आ गए हैं, या नेपाल $200 बिलियन समझो, चलो मैंने मान लिया एक बात को, तो अगर हम उससे 10-15 गुना बड़े भी हैं तो अमेरिका भी तो हमसे 10-15 गुना बड़ा है, तो फिर ये क्या उचित होगा कि हम अपने आप को, फिर अगर अमेरिकन कोई हमसे कहे कि तुम्हारी औकात क्या है हिंदुस्तान को और तुम्हारी इकॉनमी की औकात क्या है, तो क्या हमको अच्छा लगेगा? नहीं ना। अब ठीक है, हमारी तो मुश्किल से पर कैपिटा इनकम $1,800-1,900 है, नेपाल की भी करीब करीब 1,200-1,300 है, हालांकि कुछ इसमें वेरिएशंस भी आ रहे हैं, परचेजिंग पैरिटी के ऊपर उनकी इनकम ज्यादा दिखाते हैं, लेकिन जो जीडीपी का जो डिवीजन करते हैं उसमें कम हो जाती है वो, पर ये कोई तरीका नहीं है। इससे क्या होता है कि संवाद की स्थिति पैदा नहीं होती और आप दूसरे को इंसल्ट करने पर आ जाते हैं। नेपाल छोटा देश है, ठीक है, 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, करीब 3 करोड़ की आबादी है, लेकिन एक आम नेपाली व्यक्ति की जो हेल्थ है वो एक आम हिंदुस्तानी से ज्यादा अच्छी है, ये मैं बता दूं आपको, क्योंकि पहाड़ के रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी हेल्थ ज्यादा अच्छी होती है, वहां पर शुद्ध वायु पानी मिलता है, शुद्ध खाना मिलता है, तो उनकी हेल्थ अच्छी रहती है वहां। दूसरी बात, वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में पावर प्रोडक्शन होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, वो बिजली आगे दूसरे देशों को भी बेचते हैं, पानी की कमी नहीं है, हिमालयन कंट्री है तो उसमें अपनी बहुत पवित्रता है, भगवान भोलेनाथ का मंदिर है वहां पे काठमांडू के अंदर, पशुपतिनाथ का, तो उनको मेरा नमस्कार प्रणाम। तो अभी तक मैं गया नहीं वहां पर, लेकिन कभी जाने का मौका मिलेगा तो जरूर भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन भी करेंगे। अभी जो भी उनकी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अर्थव्यवस्था होने के नाते उनके बारे में ऐसा कहने का कोई भी शब्द हमें यूज नहीं करना चाहिए। टूरिज्म सेक्टर उनका बहुत अच्छा है, बहुत लाखों टूरिस्ट हर साल आते हैं वहां पे, जो माउंटेनियर्स हैं वो भी आते हैं नेपाल, जो घूमने वाले वो भी आते हैं, चितवन में जाते हैं, पोखरा में जाते हैं, बहुत जगह लोग जाते हैं, भारत के नागरिक भी बहुत जाते हैं वहां पे, तो नेपाल से बड़ा प्यार है, सम्मान भी है, इज्जत बहुत है। तो ये जो कंपैरिजन है कि नेपाल हमारे सामने कुछ नहीं है और हम ये हैं वो हैं, तो फिर अपने आप को अमेरिका से कंपेयर कर लीजिए अगर इतना ही घमंड है तो। मैं इसलिए इन चीजों के अंदर इसको उचित नहीं मानता। कल को आप कहें कि हाँ जी, एक 3 करोड़ का कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, आप उससे कंपेयर करो, तो ऑस्ट्रेलिया के सामने अब हमारी इकोनॉमी कहां ठहरती है आप बताइए। हम ठीक है, हो सकता है $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे, हो सकता है वो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो ऑस्ट्रेलिया, लेकिन उसकी पर कैपिटा इनकम तो $60,000 है और हम $60,000 तक तो शायद अगले 100 साल में भी नहीं पहुंचेंगे, अगले 100 साल में। तो हम क्या उनकी समृद्धि के साथ खुद को काउंट कर सकते हैं क्या? पर बहुत सारे लोगों में शायद अब वो सोच नहीं रह गई है, वो पता नहीं क्या सोच के एक हाथ में हवा का पंप ले आए साइकिल में भरने वाला और सारा दिन पंप में हवा भरते रहते हैं और अपने आप को दिखाते हैं जैसे हम पत्नी क्या बन गए हैं, विश्व गुरु बन गए हैं, हम पत्नी क्या बन गए। अरे भाई, जिस देश के 135 करोड़ लोगों में 100 करोड़ लोगों की इनकम $1,000 से कम हो, यानी कि
जितनी नेपाल की पर कैपिटा इनकम उससे भी बहुत कम हो, तो देश कैसे उसके ऊपर गर्व करेगा? जहां 100 करोड़ लोगों के पास एक वक्त की रोटी खाने के बाद दूसरे वक्त की रोटी ना हो और वहां बीमार व्यक्ति हो, वो कैसे गर्व करेगा, कैसे विश्वगुरु बनेगा? तो मेरे नजर में इस किस्म के जो कंपेरिजन हैं आज कितने अखबारों में या कितने टीवी न्यूज के अंदर, खास तौर से मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा, और कई यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी जो जिस ढंग से नेपाल को दिखाया जा रहा है उसमें, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। देखिए ये चैनल अलग है, हम न्याय की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, हम इज्जत की बात करते हैं, चाहे छोटा कंट्री, चाहे मालदीव जी क्यों ना हो, भाई वो देश तो है ना, तो देश की इज्जत करना हमारा फर्ज है ना, देश को देश की तरह ट्रीट करना पड़ेगा ना। नेपाल कोई भारत का कोई एक उत्तरी राज्य, नॉर्थ स्टेट तो नहीं है ना, नेपाल अलग कंट्री है, उसकी राजधानी है, उसका प्राइम मिनिस्टर है, उसकी इकोनॉमी है, उसकी अलग कल्चर है, सब कुछ अलग है, तो हम उसको अपने हिस्से के रूप में क्यों देखें? वो जैसा है वैसा ही है। एक टाइम में गोरखा किंगडम भी था, वो बहुत बदलाव आए उसके बाद, पर ये अच्छा नहीं है। लेकिन एक आम नेपाली नागरिक एक आम भारतीय के मुकाबले उसकी हेल्थ में बहुत अच्छा है, अच्छा खाना खाता है, हेल्दी है, साफ सुथरा है। तो जो भी ये इंडियन कुछ जर्नलिस्ट के द्वारा चैनल्स के ऊपर जो किया जा रहा है एक दुष्प्रचार, मैं उसका समर्थन नहीं करता। हमारा चैनल रेस्पेक्ट की बात करता है, मैच्योरिटी की बात करता है, इज्जत की बात करता है, प्यार मोहब्बत की बात करता है, और इसीलिए इस चैनल के ऊपर हमारे नेपाल के भाई बहन हो, बांग्लादेश के भाई बहन हो, किसी भी और देश के भाई बहन हो, हम सबकी इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। यही फर्क है हम में और बाकी चैनल्स में। कैसा लगा आपको यह एपिसोड हमें जरूर बताइएगा, अपनी फीडबैक भेजिएगा। शुक्रिया आपका।